बरकातुहु। शाम हो गई है, अब तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, अब कॉलेज तो जाने दो ना पापा। पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया है, अब आंसू तो मत बहाना पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, एक बात और साथ पापा। बेटी बोझ नहीं है, दुनिया को बतलाओ ना पापा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से और खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। इसी तरह हमारी बचपन की यादों को ताजा करने आ रहे हैं हमारे PPS ग्रीन पार्क के बच्चे। परफॉर्मिंग स्टार्स आर श्रेयान खान एंड शिफा पटेल फ्रॉम प्ले ग्रुप, जैनब अली फ्रॉम नर्सरी, जिशान पटेल फ्रॉम जूनियर KG एंड जुहान खान फ्रॉम सीनियर KG। मेरे को तो देखने दो, मेरे अपने मैं सारे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जो सब लोग इतना हॉल को देखकर दिल खुश हो रहा है कि अल्लाह का एहसान है कि आप सब लोगों ने तरजीह दी और तशरीफ लाए। बुशरा मैम ने बुलाकर पहले बोला कि सर वक्त कम है, बच्चों का प्रोग्राम है, आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जब मेरे अपने सब इतने सारे दिख जाते हैं तो दिल मचलने लगता है कि मैं इतने सालों से कब बात करूँगा, कैसे करूँगा। वक्त ही नहीं है इस वक्त में लोगों के पास, और आज आप सब मिल गए तो मैं अपनी हसरतें निकाल लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने की नीयत से इस स्कूल को बिस्मिल्लाह करने की ज़रूरत पड़ी।
अगेन सुनिएगा, ये स्कूल खोला क्यों गया है? अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की नीयत से खोला गया है, क्योंकि इल्म का बहुत बड़ा मर्तबा बताया गया है वो सारे इंसानों पे, वो लड़कियां हों या लड़के हों, इंसानों के ऊपर इल्म फर्ज किया है मेरे सरकार ने। अल्लाह और उसके रसूल के करम से अब एक मजबूत टीम 4 साल के अंदर अल्लाह ने एक बिल्ड करवा दी है, जिसके दम के ऊपर इंशाअल्लाह ऐसा लगता है कि मेरे नबी का करम बना रहा। तो एक बहुत अच्छा स्कूल की शुरुआत अल्लाह ने कराई है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं जबकि मेरे घर में सबसे कम सेटिस्फाइड होने वाला आदमी हूँ, मुझे तसल्ली होती ही नहीं है। बच्चे भाई खास करके मेरी बेगम सब परेशान है मेरे इस नेचर से कि मुझे तसल्ली नहीं मिलती। मैं बोलता हूँ नहीं, इससे अच्छा और हो सकता था शायद। अभी बहुत अच्छा अल्लाह ने एहसान करा, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है जिसके अंदर अजहरी, डॉक्टर अजहरी रमेश जी सियाराम सिल्क मिल के चेयरमैन, पसारी जी जो कि वैष्णो ट्रस्ट क्लॉथ मार्केट के जितने भी 40 इदारे उनकी यूनिवर्सिटियां हैं उसके मुखिया हैं, स्वप्निल कोट के अंदर एजुकेशन भी बहुत सारे स्कूलों से जुड़े हुए हैं, गीता भवन जो है मंदिर ट्रस्ट उसके ट्रस्टी भी हैं, फहीम मियां जो अलीगढ़ से हैं उन्हें भी इस काम के लिए जोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का भरोसा जीत सकूँ कि ये काम के लिए हम बेसिक में या मेरी फैमिली एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये हम सच्चाई जानते हैं। लेकिन मैं इनके साथ हमेशा बात करता था कि और समाजों के अंदर 10-10, 20-20 साल का प्रोग्राम लेके चलते हैं, बोहरा समाज को देखें तो 25 सालों का एक प्लान लेके चलते हैं, क्रिश्चियन समाज में देखें तो वो 50 साल और 100 साल की बातें करते हैं। लेकिन जब मैं अपने समाज को देखता हूँ तो मैं 5-10 साल भी एक प्लान नहीं देख पाता हूँ। तो ये हमेशा एक कमी रहती थी कि नहीं, हम भी और समाजों से सीख सकते हैं। और उसका अल्लाह ने एहसान ये करा कि ये जो स्कूल पाकीज़ा पब्लिक स्कूल ला रहे हैं उसको एक बहुत लंबी सोच के साथ लेकर आ रहे हैं, जो एक 50 बीघा ज़मीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है वो जब मैं आज गया था तो मेरे जो इंजीनियर थे मैंने बोला तुमने इसमें बहुत पैसा लगवा दिया, तो बोले ये 75 से 100 साल ये बिल्डिंग नहीं हिलेगी, इतनी मजबूत बिल्डिंग है। तो अंदर एक दिल खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत लंबी सोच के साथ एक स्कूल की शुरुआत अल्लाह और उसके हबीब ने हमारी करवाई है। मैं साथ ही एक चीज है, मैं खुद एजुकेशन के मामले में शून्य रहा, मैं खुद नहीं हूँ पढ़ा लिखा, मैं आप लोगों के सामने कई बार स्वीकार कर चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी जनरेशन या मेरे अपने समाज के बच्चों को देखता हूँ तो अगर मेरे बच्चे, मेरे समाज के बच्चों में अगर इंग्लिश आ जाए और वो मॉरल के साथ में आ जाए तो दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन कौम से हम पीछे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों में जज्बा तो बहुत देखता हूँ लेकिन इंग्लिश में कमज़ोर पाने की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो अभी पूरा फोकस, मैं मैम से जब मिला, मोनिका मैम से, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आपका प्यून भी अगर यहाँ पर रहे तो वो इंग्लिश में बात करना चाहिए, हमारे को ऐसा वातावरण देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो हम इंग्लिश और मॉरल के ऊपर पूरा फोकस करके इस पूरे स्कूलों को आगे फ्यूचर में चलाएंगे इंशाअल्लाह। आप फ्यूचर में इस स्कूल को इंशाअल्लाह किसी भी और स्कूल से कमतर नहीं पाएंगे। हमें वक्त लगेगा, हम एजुकेशनिस्ट नहीं हैं लेकिन हम बहुत अच्छे लोगों को जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी नींव जितनी मजबूत हक और ईमान के साथ के अंदर रखी गई है और अच्छी नीयत से करी गई है तो इंशाअल्लाह आप भरोसा कर सकते हैं अल्लाह उसके हबीब पे कि ये बहुत अच्छा स्कूल बनेगा, बनना चाहिए। मैं भाइयों से, बच्चों से, दोस्तों से और आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि मैं अपनी जो भी अल्लाह ने जितनी सांसें दी है इसको इसी में खपाना चाहता हूँ।
के अभी तक बहुत शिकायतें हम करते थे पान की दुकान पे शादी ब्याहों के अंदर, यार हमारे समाज में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, लेकिन जब गिरेबान झांक के देखा तो मैंने ये पाया कि हम खुद करते नहीं हैं और लोगों की बातें करने खड़े हो जाते हैं। तो बस इसी से इबरत लेके ही करा कि लाओ ज़मीन पे कुछ खुद भी उतार के जाएं, इस नियत से इस स्कूल को शुरू किया गया है। अभी मैं मेरे दो पोतियाँ दो नवासियाँ जाती है शिशु कुंज स्कूल, 1.5 से 2 लाख रुपये एक एक बच्चे के लगते हैं मेरे घर में। मैंने ये भी प्रेरित हुआ कि इतने इतने पैसे लाखों रुपए दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं क्यों ना एक रिजनेबल हिसाब के अंदर अपने खुद का एक स्कूल हो जो समाज के बच्चों को एक अच्छी उच्च शिक्षा के साथ में एक अच्छा इंसान मॉरल के साथ दीनियत के साथ लेकर आए। बस इसी को सोच कर ये स्कूल की बिस्मिल्लाह की गई है। हमने नए स्कूल को 35,000 रुपये रखे हैं। मैं मैम के साथ बैठता हूँ जब जब हिसाब गणित जोड़ता हूँ तो ये बोलते हैं सर 5 साल तो हम आपको देखना ही नहीं है कितना लॉस होगा, लेकिन कल बहुत अच्छे फ्रूट आएंगे अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो। मुझे मालूम नहीं है कहाँ से बात शुरू करना चाहिए कहाँ ख़त्म करना चाहिए बेबाक अंदाज से बात करने का, तो मैं आपके सामने कोई सिलसिले से बात नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कोई बात आ रही कभी कोई, प्लीज़ बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह खुद की बसों के साथ इसे अपन स्कूल को आगे फ्यूचर के अंदर करेंगे। बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों का भी फ्यूचर के अंदर अलग अलग इंतज़ाम करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चियां अलग पढ़ें बेटे हमारे अलग पढ़ें ताकि शरीयत की भी कोई उल्लंघन नहीं हो। फ्यूचर के अंदर आप लोग दुआ करें, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरा अल्लाह मेरा नबी इन कामों को ज़मीन पर उतरवा दे। फ्यूचर में अपन इसे हॉस्टल भी लेकर आएंगे, बहुत कमी है। मेरे एक मित्र हैं वो बोलते हैं कि कम से कम 100 आपको एडमिशन में ला के दूँ। इंदौर से 100-200 किलोमीटर दूर के ऊपर लोग बहुत परेशान हैं कि हम हमारे बच्चों को इस बड़े शहर में कैसे भेजें, किसके हाथों में सौंपे जो हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। इंशाल्लाह हॉस्टल भी आज नहीं कल अल्लाह ये लेकर आएगा। इस स्कूल की नींव जो रखी है मैंने आपको बताई है कि ये बहुत पाकीज़ा नियत से इसे किया गया है। मैं जब हमने दुकान खोली थी तो पाकीज़ा नाम क्या होता अल्लाह जानता, 40 साल पहले हम भी नहीं जानते थे, लेकिन शायद जब समझ पड़ी जब तक ज़रूरी हो गया कि इसे पाकीज़ा को पाकीज़ा बना के रखें, तो इसके लिए जो प्ले स्कूल में जो आप लोगों ने बच्चे को डाला है 4 साल प्ले स्कूल में रहेंगे वो 12 साल 12वीं तक पढ़ेंगे, 16 साल बच्चा हमारे साथ रहेगा। जब आप दे रहे हैं वो 2.5-3 साल का है, जब वो निकलेगा तो वोट डालने की ताकत लेके निकलेगा 18-19 साल का। तो मैं अल्लाह उसके रसूल की जात से ये उम्मीद रखता हूँ कि एक वो बहुत अच्छा एक इंसान बन के निकलेगा जो खुद का भी ख्याल रखेगा, अपने वालदेन का भी रखेगा, अपने ख़ानदान का भी रखेगा, इस समाज का भी रखेगा और इस मुल्क का भी ख्याल रखेगा। ऐसा इंसान हमें आज ज़रूरत है बनाना और उसकी नींव ऐसी सोच रख के बनाई है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ तो कितने सारे लोगों के बीच के अंदर बात कुछ कह रहा हूँ तो अल्लाह बस इसे उसके हबीब के सदके के अंदर कामयाब कर दे। मेरी बात कहाँ और ये सब मुमकिन हुआ है, उन लोगों के नाम अगर यहाँ पर नहीं लूँगा तो ये मैं वाली बात हो जाएगी, यहाँ पर मैं नहीं है यहाँ पर हम का मामला है। मेरे भाई लोग अल्लाह ने अच्छा रखे उनके लिए आप दुआ करें, जबकि कारोबारी इस बात से स्कूल का काम एक घाटे का सौदा होता है। अगर जिन लोगों के यहाँ स्कूल हों जो जानते हों तो वो जानते होंगे, लेकिन ये आखिरत का सौदा है जिसके अंदर बहुत नफ़ा मिलना है। जितने बच्चों को मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सुना कि अल्लाह उस एक अलीफ के बदले में क्या दे सकता है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो मेरे भाई लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा करा। और इतना सारा आप कारोबारी लोग हैं बैंकों से जुड़े हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर मेरे को पूरा हिम्मत दी धन बल दिया और आगे बढ़ाया। फिर मैं मेरे बच्चे जो हैं जो सारे मेरे भतीजे और बच्चे इन लोगों ने मेरे को बहुत हौसला दिया कि नहीं पापा चाचा ये कर सकते हैं। मरकज़ केरला जिसकी वजह से प्रेरणा मिली और मैं उसको आगे बढ़ा।
मेरे साथ के अंदर जो ग्रुप के दोस्त लोग हैं, अब्दुल रशीद भाई, नबी भाई, मौलाना आरिफ साहब, नदीम मुल्तानी, इकबाल, नाजीम सिद्दीक सर, इन लोगों से हमेशा खेटे खाता रहता हूँ, लड़ता रहता हूँ, और ये लोग मेरी हिम्मत देते हैं। मेरे साथ में काम करने वाले लोग कविता गुप्ता, बुशरा सिद्दीकी, शाइना, सबा, आयशा, अस्मा, ताहिर सर, ये सब लोग, एक टीम की बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा न्यू के अंदर ये टीम साथ में काम कर रही है। मैं सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बार एक मेरे साथ में मेरी एक भांजी है, मुँह बोली भांजी है हीना, वो भी शरीक हुई है, जो बिल्कुल बुशरा मैम के आचार्य है, मोनिका मैम की असिस्टेंट बन के साथ में हो रही है, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर वो भी एक बड़ी एजुकेशनिस्ट बनेगी, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो। मैं सारी टीम का, जितनों के भी मैंने नाम लिए, और अगर मैं नाम लेना भूल गया तो मुझे माफ़ करना, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी अनेकों बार इतनी सख्तियों के बावजूद मैं आप लोगों की बात नहीं मानता हूँ और जिद लगाता हूँ, तो आप समझना इस वक्त मेरे एक बच्चों के मानिंद हो गया हूँ, एक जिद पे हूँ, एक जुनून में हूँ कि ये सक्सेस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। आज अब्दुल रशीद भाई मेरे को फ़ोन लगा के समझा रहे थे कि देखो हाँ, अगर बच्चे कम मिले तो हिम्मत मत हारना, तो अल्लाह करीम है, उसने शुरू करवाया है, वो कितने बच्चे देगा भेजेगा ये उसकी जात के ऊपर मेरे को भरोसा है। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ये किया गया काम है, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा होगा। बस शुक्रिया, बस मेरे आखिरी बात खाली आप सब लोग साथ दें, ये बच्चे 18 साल और 20 साल के होके निकलेंगे, एक जनरेशन में अगर ये सारा समाज साथ दे दे बदलने का, हम अभी बहुत दोयम दर्जे के कहलाते हैं, मेरा समाज चीते बहुत पड़े हुए हैं, हम पे दागदार हैं हम, लेकिन एक जनरेशन आप सब साथ दें अगर, तो अपन मिलके बदल सकते हैं। अच्छा, ये स्कूल मेरा अपना स्कूल नहीं है, ये वाले 15-20 साल एक ऐसे हैं कि अपन सब जितने बैठे खाली इतना अहद कर लें कि नहीं इसे बदलेंगे हम मिलके, तो ये स्कूल भी आपका है, ये टीचर भी आपकी है, और मैं भी आपका हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ, आप कहीं भी पकड़ सकते हैं मकसूद क्या बोलता है और क्या हो रहा है, देख नहीं रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मालूम नहीं क्या बोलना चाहिए था क्या बोला, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आ गए, हिम्मत मिल गई कि नहीं नहीं अल्लाह उसका रसूल करीम है। आप लोग दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, पाकिजा प्ले स्कूल जो अपन पब्लिक स्कूल लेकर आ रहे हैं उसके लिए भी खूब दुआ करें, बहुत मेहनत करिए, अगला प्रोग्राम हुआ करूँगा तो आप सबको इन्वाइट करूँगा, आप सब लोग जरूर लेकर आना। आज ये मैडम से हमने बोला था, इन्होंने दो दो मेंबर लिख दिए थे नीचे, मैंने बोला नहीं अब तो दादा दादी नाना नानी को भी लेकर आएँ, वहाँ पे जब प्रोग्राम करेंगे तो एक एक फैमिली के पांच पांच लोग सारे को गिन के बुलवाएंगे अपन, ताकि वो आए देखें बुजुर्गों की दुआओं की बहुत। बच्चे खुली किताब होते हैं, और हमारी आने वाली परफॉर्मेंस के थ्रू हमारे पीपीएस खजराना के जूनियर केजी के बच्चे अबासिफ, आरुषा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अली, अली पटेल, मोहम्मद अर्श, हमजा, हसन, सिद्दीक, सिद्दीका, नबीहा, अयान, अनस, हुदा, तनिश, शादान, रीदा, सूफियान, इब्राहिम, मोइस एंड शनाया। बट जस्ट बिफोर द कर्टन ओपन्स, आबिश अमान एंड आयशल अहमद ऑफ सीनियर केजी पीपीएस खजराना वांट टू से समथिंग। लोगों को एक मुद्दत से ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं
मेरी पर्सनल लाइफ में एक टाइम थे से कि मम्मी पापा मुझसे बाहर गए थे, वो चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। Oh no.
प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे पीपीएस मानिक बाग से ग्रेड वन के बच्चे।
And the partakers are Ilyas, Bahir, Ishaz, Fahad, Maryam, Atif, Azra, Maisha, Renuma, Mohammad Multani, Takreem, Azmat, Noman, Yashveen, Jishan and Hasnain. मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा
Naat Sharif and will present the Naat Sharif in front of you. Call me, 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 call me
form of musical parody. And the participants are Abu Sufyan, Afia, Alia, Arkam, Arslan, Ibsa, Imam, Mary, Mohammed Amin, Mohammed Hashim, Zuhair, Zikra, Zoya, Ramola Chisti, Yusuf, Sumaya, Affan, Ahan, Alina, Arfat, Aisha, Kabir, Khushnuma, Mohammed Sufyan, Amir Hamza, and Amira Fatima.
के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ को करके गोल आउट ऑफ को करके गोल सीटी पर जाके बोल मुर्गी जाओ जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीधे बजा के बोल भैया खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायत ही चंद बनाए हैं उनमें से सबसे नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एज आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग मिस्टर तुषार तम्हाने सर who is a renowned educationist to come and grace this occasion. Sir, please. मैं हिंदी में बोलूंगा तो सभी के लिए ठीक होगा धन्यवाद ये पता नहीं था कि मैं इस लायक भी हूँ ये पहला मौका है जब किसी कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता का एक मुझे मौका मिला मैं इस सब के लिए पाकिजा प्ले स्कूल्स के सभी मेरे साथी मकसूद भाई और ये एक पूरा नया परिवार जिनके साथ मैं आज जुड़ गया हूँ मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये उन्होंने मौका दिया हर बार अभी मैं जब से इन बच्चों को देख रहा था तो सबसे पहले तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझे क्यों बड़ा कर दिया गया मैं क्यों ना ऐसा ही बना रहा हूँ बड़ा होकर जो इतनी तकलीफें बढ़ गई है इन सभी तकलीफों को कम करने का नजरिया जो है मुझे इन बच्चों से मिलता है कि कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है जो पसंद आए वो तुरंत कर दिया बाकी जो परवाह है बाकी अन्य लोग करेंगे स्कूल और स्कूल में बिताए जाने वाला जो समय है अनायास ही मुझे मौका मिलता गया और बहुत कुछ सीखने मिला और बार बार यही दिमाग में सवाल उठता है कि क्या स्कूल ज़रूरी है स्कूल में जाकर समय बिताना कितना ज़रूरी है एक ज़िंदगी के हुनर सीखने के लिए तो इन सब में जितना पढ़ाई की जितना संशोधन हुआ ये सब देखकर जो पता चलता है कि इस उम्र में या इससे भी छोटे जब बच्चा जन्म लेता है और तब उससे 3 साल की उम्र तक उस बच्चे के सामने जो परिवेश उसको मिलता है जो चीज़ वो सुनता है जिस तरह का वातावरण बच्चे का हमेशा होता है वह उसकी ज़िंदगी भर उसको प्रभावित करते रहता है तो मेरी सभी अभिभावकों से गुजारिश होगी कि बच्चा आपका स्कूल आने के पहले भी हम उस बच्चे को घर पर क्या दे रहे हैं ये एक संशोधन से सामने आया है कि एक संपन्न परिवार में जब बच्चा बड़ा होता है तो लगभग 0 से 3 वर्ष की उम्र तक वो करीब 12 से 15 लाख शब्दों से परिचित होता है ये संशोधन से पता चलता है कि और जो बच्चे इस तरह का वातावरण इस उम्र में नहीं पाते हैं वो कभी भी इस खाई को पूरा करने में जिंदगी भर असफल रहते हैं इसीलिए इस उम्र में जब बच्चा बोल रहा होता है शायद वो आपकी बातों को जवाब न दे रहा होगा लेकिन वो सब कुछ आत्मसात कर रहा होता है सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है सब इसीलिए बहुत सारी बातें जो हर एक कार्यक्रम के पहले हमारे सामने जिसका सब प्रस्तुति हो रही थी ये सभी बातें नियमित बच्चों के सामने
जितनी हम पेश करते रहेंगे, जितनी हम पढ़ने का जो कार्यक्रम है पढ़ना, और उसमें आनंद आता है, उसमें कुछ मजा मिलता है, जब तक कि बच्चा इस उम्र में अपने माँ की या पिता की गोद में रहकर अगर किसी को न देखे, वो पढ़ना उसके लिए जिंदगी भर काफी कठिन समस्या हो गई होती है। तो इसीलिए शायद हमेशा लगता है कि बच्चों को सही वातावरण जरूर मिले, और इसीलिए बच्चे की जो परवरिश है, जितनी एक स्कूल के शिक्षक और बाकी सभी लोगों की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी एक अभिभावक होने के नाते हमारी सभी की है। स्कूल में बच्चे को हमने दाखिला दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये बिल्कुल अधूरा काम है। इसीलिए बच्चे की परवरिश में हम सभी का साथ मिलकर काम करना एक बहुत अत्यावश्यक जरूरी है। और आजकल खासकर जो 21वीं सदी शुरू हो गई है और जिसमें सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत मूलभूत उसमें बदलाव हुआ है, तब इसीलिए जो दूसरी बातें जो हमारे सामने महत्वपूर्ण है कि आज छोटा बच्चा भी है उसके सामने, जब वो रोता है तो मैंने बहुत बार देखा है कि माँ उसको लोरी या गाना सुनाकर उसको चुपचुपाने के बजाय वो मोबाइल में गाना दिखाती है। ये चीज होगी तो बच्चा और आपका जो रिश्ता है उसमें एक बहुत बड़ा सवाल मुझे नजर आता है कि जो बहुत स्वाभाविक से होने वाली चीज थी, प्यार पुचकार के हम करते थे, पर बच्चे की कुछ तकलीफ होगी उसको समझना ज्यादा जरूरी है बजाय कि मोबाइल में वो गाना कुछ दिखाना। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा, लेकिन हम उस पर भी निर्भर न हो जाए, उसको हम एक बेबी सीटर के रूप में इस्तेमाल न करें। बच्चा जब हमारी बात नहीं सुनता है तो हम टेलीविजन ऑन कर देते हैं, उसको कार्टून फिल्म दिखाते हैं। शायद अगर हम अपने बचपन की ये बात याद करें, हम सीखते जब हैं जब हम बोर हो रहे होते हैं। आज का बच्चा बोरियत को नहीं हैंडल कर पाता है। बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए कुछ ऐसा समय दे जब उसको हम एंटरटेन न करें। अधिकतर समय बच्चे एंटरटेन हो रहे हैं और जरा कुछ होता है तो हमारे पीछे पड़ते हैं। वास्तव में चीज़ों को खुद हाथ से खेलना, देखना, समझना और उसमें ही सीखना बहुत होता है। तो ऐसे मौकों को हमको जानबूझकर, और स्कूल की शायद बहुत आजकल बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि सिर्फ एंटरटेन न करें, उनको इंगेज करते चले। और इसमें जब हम ये सब प्रक्रिया करते चलेंगे तो बच्चे का एक नई तकनीक से जब वो जुड़ता है तो उसका मन से उसके जुड़ना बहुत जरूरी होता है। जब हम सब मिलकर इस बात को पूरी कोशिश करेंगे तो आज का बच्चा सिर्फ इस मुल्क का नहीं, वो दुनिया का बच्चा है। इसीलिए उसके हुनर इस तरह हम तराशे कि वो कहीं पर भी जाकर अपना जौहर दिखाए। धन्यवाद। एक बात कहकर